प्रीमियर लीग एक ऐसा मंच है जहां खिलाड़ियों पर बेशुमार पैसा बरसता है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग में एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन 18.5 करोड़ रुपए में बिके। कैमरन ग्रीन को 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वहीं बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ मिले। निकोलस पूरन को भी 16 करोड़ रुपए हासिल हुए। वैसे पैसों की इस बरसात के बीच कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनकी जेब कट गई। बात हो रही है ऐसे खिलाड़ियों की जो अपने पिछले सीजन में करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें, ये नुकसान 14 करोड़ रुपए तक गया। आइए डालते हैं उन 6 खिलाड़ियों पर नजर जिन्हें आईपीएल 2023 ऑक्शन में भारी नुकसान झेलना पड़ा। विलियमसन को 12 करोड़ का फटका। पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने वाले केन विलियमसन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हैदराबाद ने केन को रिलीज किया और अब वो गुजरात टाइटंस का हिस्सा बने। बता दें, पिछले सीजन तक विलियमसन की सैलरी 14 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस बार उन्हें महज 2 करोड़ रुपए मिले। मतलब विलियमसन को 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जेमिसन को 14 करोड़ की चपत। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन पिछले आईपीएल सीजन में नहीं खेले थे, लेकिन उन्हें उससे पहले 15 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा था। हालांकि इस बार जेमिसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 1 करोड़ में खरीदा है। मतलब जेमिसन को पूरे 14 करोड़ का चूना लग गया। रिचर्डसन को 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जाय रिचर्डसन आईपीएल 2021 में 14 करोड़ में बिके थे और वो चोट के चलते उसके बाद खेल नहीं सके थे, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी सिर्फ 1.5 करोड़ में बिका है। मुंबई ने ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर को अपने स्क्वाड में शामिल किया और रिचर्डसन को 12.5 करोड़ का नुकसान हुआ। रोमारियो शेफर्ड को 7 करोड़ का नुकसान। रोमारियो शेफर्ड पिछले आईपीएल सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे। इस खिलाड़ी को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स में सिर्फ 50 लाख रुपए में शामिल हुआ। मतलब पूरे 7 करोड़ की चपत। मयंक अग्रवाल को 5.75 करोड़ का नुकसान। मयंक अग्रवाल इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल हुए हैं। उन्हें 8.25 करोड़ की बड़ी रकम भी हासिल हुई, लेकिन आपको बता दें, इसके बावजूद मयंक को 5.75 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। पिछले साल तक अग्रवाल पंजाब किंग्स के कप्तान थे और उनकी सैलरी 14 करोड़ रुपए थी। ओडियन स्मिथ के 5.50 करोड़ गए पानी में। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ओडियन स्मिथ को भी 5.50 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ। स्मिथ पिछली बार पंजाब की टीम में 6 करोड़ में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार ओडियन महज 50 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस का हिस्सा बने हैं।